हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू विंग ट्रेडा। आज 5 जुलाई है। आज क्या परफॉर्मेंस पूरे मार्केट में हमारा सॉफ्टवेयर इंजन ने दिया है, ये मैं लेकर आई हूँ आज की लाइव परफॉर्मेंस के साथ। सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी चेक करेंगे, उसके बाद TCS, साथ में रिलायंस का भी चार्ट है और नेक्स्ट मारुति, ये सबका परफॉर्मेंस भी हम चेक करेंगे। साथ में कमोडिटी का नेचुरल गैस भी है और XAGUSD यानी कि सिल्वर की चार्ट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में यानी कि एक दो दिन से अभी बाई में जा रहा था मार्केट, अभी 1 बजे के बाद ब्रेकआउट हो गया। ऑलमोस्ट सब स्टॉक में 1 बजे के बाद सेल निकली है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 450 पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे हासिल किया, अप्रॉक्सीमेट 12,000 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे हासिल किया है हमने प्रॉफिट। तो इसमें हमारा सॉफ्टवेयर के हिसाब से सिग्नल कहाँ पे आया था और कहाँ से ले सकते थे मैं आपको आज बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो तो ये व्हाइट का डे ब्रेक लाइन से आज का मार्केट ओपन हुआ है। इसमें ये जो ग्रीन कलर यानी कि ग्रीन कलर की सिग्नल यानी कि आप पा रहे हो दिख रहा है बाइक की सिग्नल, रेड कलर डाउन आ रहा है सेल की सिग्नल है। आज टोटली कल की बाइक की कंटिन्यूएशन 1 बजे तक पहले मार्केट मॉर्निंग में गए थे, मार्केट लगभग अप्रॉक्सीमेटली रेसिस्टेंट यानी कि 34,256 से लेकर मार्केट ब्रेक किया था, रेसिस्टेंट ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट अप्रॉक्सीमेट 394 तक जाकर एक रिवर्स दिखाया यानी कि 1 बजे तक साइडवे दिखाया। साइडवे के बाद उसी टाइम 1:10 के अंदर 34,291 में एक सेल दिए थे, 3 टारगेट दिया है, स्टॉप लॉस दिया है। तो अपना ऊपर नीचे पूरा डिटेल्स लिखा है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख रही हो अप्रॉक्सीमेट 500 पॉइंट्स के हिसाब से यानी 496 पॉइंट अभी तक हासिल किया है। तो टोटली देखूंगी तो अप्रॉक्सीमेट 12,000 रुपीज़ यानी कि 12,000 के नीचे कितना भी बोलूंगी तो कंफर्मेशन के हिसाब से हमने हासिल किया। इसमें हर सिग्नल कंफर्म नहीं है पर कंफर्मेशन करके अपन को लेना है, तो कंफर्मेशन चेक करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें एक्स्ट्रा कलर जो दिख रही है वो साइडवेज अपार्ट फ्रॉम ग्रीन और रेड कलर, तो यहाँ पे जो सेल देने के बाद साइडवे दिखाई यानी कि एक एक्सिट पॉइंट है, बाइक किसी ने कंटिन्यू किया है तो तब तक ये पॉइंट में एक्सिट कर सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कलर वाइट दिख रहा था तब वहाँ पे एक्सिट पॉइंट हमें दिया है। तो उसके बाद ये ब्लू कलर स्टार यानी कि ब्लू कलर स्टार सपोर्ट है, सपोर्ट में सपोर्ट ब्रेक किया था यानी कि 34,281 ब्रेक किया था, मार्केट काफ़ी नीचे जा चुके हैं तो अप्रॉक्सीमेट 33,780 अभी फिलहाल चल रही है, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 500 पॉइंट्स पार कर चुके हैं ऑलरेडी, तो और फिर से ये सपोर्ट ब्रेक किया है। तो इसमें आपको पोजीशन ले सकते हैं दूसरी कैंडल में यानी कि ऑलरेडी 270 जब 281 ब्रेक किया था मार्केट यहाँ से दूसरी कैंडल के ओपनिंग रेट को आप ले सकते थे, वहाँ से ऑलरेडी कैंडल भी रेड थे, नीचे भी रेड थे, प्राइस एंड सेल्स ऑन भी था, आपको आराम से पोजीशन लेने का मौका था। ठीक है, तो इसमें मॉर्निंग में भी सेम ऐसा ही है, तो रेसिस्टेंट यहाँ पे 34,256 ब्रेक किया था मार्केट, रेसिस्टेंट ने 256 ब्रेक किया था मार्केट अप्रॉक्सीमेट 374 अप्रॉक्सीमेट 386 374 के ऊपर मार्केट गए थे, यानी कि इसमें भी आराम से हमने 100 पॉइंट्स के हिसाब से मॉर्निंग में प्रॉफिट कमाया। तो दोनों तरीके से देखूंगे तो अच्छा पॉइंट आराम से दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में कमा सकते थे। सेम निफ्टी का भी दिखाएंगे, सेम मॉर्निंग में थोड़ा ऊपर जाकर ओपन हुए थे, उसके बाद रेसिस्टेंस ने अपना ब्रेक किया था 15,915 पार किए थे तो मार्केट ऊपर गए थे अप्रॉक्सीमेट कितना पॉइंट तक गए थे मैं आपको बताती हूँ, 60,010 तक मार्केट गए थे यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट मॉर्निंग में कमाया है। उसके बाद मार्केट सेल दिया था, सेल कंफर्म नहीं था यानी कि साइडवे दिया था, ये बाइक की एक्सिट पॉइंट दिया है, तो उसके बाद कंफर्मेशन आया था ये रेड कैंडल, तब उसी टाइम जस्ट कंफर्म हुआ था होने वाला था दूसरी या तीसरी कैंडल में, यहाँ पे एक्चुअली पोजीशन ले सकते थे। सपोर्ट एक्चुअली ब्रेक किया था 15,942 ब्रेक किया था मार्केट, काफ़ी नीचे गई थी तो अप्रॉक्सीमेट अभी फिलहाल रेट चल रही है 774 यानी कि टोटली देखूंगी तो अप्रॉक्सीमेट 195 के ऊपर इसमें से कमाया, तो टोटली 9,000 रुपीज़ आराम से पार किया हमने। ठीक है, तो दोनों कुल मिलाकर हमारा 20,000 के ऊपर काली सेल में ही हमने प्रॉफिट कमाया है, तो बाइक का मैंने इसमें गिना ही नहीं, तो पर सिल्क में ही दोनों ट्रेड से आराम से हम 20,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट हम कमा सकते थे ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो TCS में भी सेम मॉर्निंग में बाइक बाइसिकल भी था और सेल भी था, पर बाई इसमें खास जितने प्रॉफिट कमा नहीं पाए तो पर ऊपर गए थे अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद मार्केट रिवर्स हो गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
थोड़ा सा ऊपर जाकर ओपन हुए थे, अप्रोक्सीमेट ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे था लगभग 3244, 44 से लेकर लगभग मार्केट अभी 64 तक जाकर मार्केट रिवर्स हो गया, यानी कि 20 पॉइंट्स आराम से कमाया है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो रिवर्स यानी कि एक्सिट पॉइंट यहाँ पे है, जब एक्सिट होने वाला था तो 59 चल रहा था, यानी कि टोटली देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट 15,000 के हिसाब से हमने इसमें से 15 पॉइंट्स के हिसाब से हमने इसमें से कमाई किया था, उसके बाद ही रिवर्सल सिग्नल दिया है। ओके, तो रिवर्सल के बाद यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया था अप्रोक्सीमेट 3244 से, 44 से सपोर्ट ब्रेक किया था, मार्केट काफ़ी नीचे गए थे, अभी फिलहाल 3209 चल रहे थे, यानी कि 05 तक मार्केट निकल गए थे। ओके, तो जब सेल्स सिग्नल दिया था तब कंफर्म नहीं था, जब कंफर्म हुआ था लगभग दूसरी कैंडल में, यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी कैंडल की ओपनिंग डेट को 3249 पे अपन ने एंट्री लिया, तभी फिलहाल काफ़ी नीचे जाकर अप्रोक्सीमेट 3205 तक मार्केट निकल गए थे। अभी फिलहाल थोड़े से ऊपर दिखा रहे हैं, पर फिलहाल सेल में ही है, ऑलरेडी तीनों टारगेट अचीव्ड है। ओके, सेम रिलायंस भी ऐसा है, रिलायंस में भी मॉर्निंग में भी बाय था और लास्ट में सेल भी था, जब मॉर्निंग में बाय गए थे अप्रोक्सीमेट दूसरी कैंडल में हम ओपनिंग रेट पर, हम यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी कैंडल के ओपनिंग रेट को, यहाँ पे आप मॉर्निंग में जब सिग्नल आए थे तब कंफर्म नहीं था, क्योंकि जब इतना ऊपर जाकर ओपन होते ना हमेशा रेड कलर स्टार या रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद लेना है, तो ब्रेकआउट पॉइंट अपना दूसरी कैंडल में, यानी कि ब्लू कलर देने के बाद दो कैंडल ऊपर जाकर हमें लेना है। तो लगभग अपन ने 2430 से एंट्री लिया है, 30 से लगभग मार्केट मॉर्निंग में अभी 6:05 तक काफ़ी गए थे, अप्रोक्सीमेट 20-30 पॉइंट्स के ऊपर हमने कमाया, उसके बाद मार्केट सेल दिया था, सेल का एक्सिट पॉइंट यहाँ ऑरेंज कलर दिया है, उसके बाद मार्केट सेल की तरफ कंफर्म हुई थी एक कैंडल में, तो उसी टाइम आपको नीचे भी बार चेंज हुआ है, तो यहाँ पे सेल जोन भी आया, तो यानी कि सपोर्ट अप्रोक्सीमेट दिया है 2445, तो ब्रेक किया था अप्रोक्सीमेट 29, अभी फिलहाल चली 2924 तक मार्केट गए थे, यानी कि काफ़ी नीचे तक मार्केट गए थे, 20 पॉइंट्स आराम से हमने कमाए यहाँ। तो मारुति भी ऐसा ही है, तो मॉर्निंग में बाइक की सिग्नल के कंटिन्यूएशन गए थे, थोड़ा ऊपर जाकर मार्केट यहाँ पे साइड वे दिया, तो यानी कि साइड वे देने के बाद ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे 8509 ब्रेक किया था, तो उसी टाइम मार्केट नीचे गए थे, तो अप्रोक्सीमेट सेल कॉल दिया था एक कैंडल में, तो उसी टाइम कंफर्म नहीं था, जस्ट कंफर्म एक कैंडल में हुआ था, हमेशा मैंने बोला है जब सिग्नल आने के बाद सपोर्ट क्रॉस करने के बाद लेंगे तो थोड़ा एक्यूरेसी बनती है, अप्रोक्सीमेट फिर से सपोर्ट दिया था 2845 7 में सपोर्ट दिया, 57 ब्रेक करने के बाद काफ़ी नीचे गए थे, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देख सकते 52 में हमने एंट्री लिया था, तो टोटली देखूंगी तो अभी 8365 तक मार्केट गए थे, यानी कि काफ़ी अच्छा पॉइंट इसमें से कमाया है, 100 पॉइंट्स ऑलरेडी पार कर चुके हैं इसमें से, ठीक है। और ये इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस है, इसमें कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से एक्सिट करना है, किसी को डाउट लग रहा है तो आप सामने से कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं आपको गाइड करूँगी कैसे लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल गैस की चार्ट, नेचुरल गैस में यहाँ पे आप देखिए तो इसमें दो सिग्नल आराम से मिला है, मॉर्निंग में एक सेल मिला है तो अप्रोक्सीमेट उसके बाद एक बाय, तो पर ये बाय इतना लेने लायक सिग्नल नहीं है, क्योंकि अभी तीन टारगेट यहाँ पे दिख रहे पर ये हाइक में जाकर ओपन हुए थे, ऐसे पॉइंट अभी लेने लायक नहीं है, ठीक है। तो इसमें सेल की सिग्नल आराम से इसमें ऐसे ले सकते, अप्रोक्सीमेट 461 का सपोर्ट दिया था, 461 ब्रेक किया था तो वो उसी टाइम 458 में आपको ले सकते थे, 58 में लब लिया था, 448 तक मार्केट गए थे, अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट्स नीचे गए थे, आराम से नीचे जा गए थे मार्केट में। ओके, उसके बाद बाई दिया था, पर मैंने बाई बोला था एकदम हाइक में गए थे, अप्रोक्सीमेट उसी टाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस दिया था 453 का, 53 ब्रेक करके एकदम हाइक में ऊपर गए थे, पर ये लेने लायक मोमेंट नहीं था, तो इसके लिए फिलहाल अपन दूसरी के रिस्क में लेना है तो 457 से ले सकते हैं, पर उसी टाइम जस्ट कंफर्म हुई थे, पर ये काफ़ी ऐसे सिग्नल काफ़ी रिवर्स होने का चांस है, तो ये अवॉइड करना ही बेटर है, अभी लेना ही है तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेड होकर ये ऊपर जाएगा ना, तो ऐसे मौके पर फिर दोबारा लेने का मौका है, तो हमेशा ये ऐसे सिग्नल जब आते हैं थोड़ा वेट कीजिए, हड़बड़ी में सिग्नल ना ले तो जब तक अच्छी तरह रेसिस्टेंस ब्रेक करने दो, क्योंकि जितना ऊपर जाकर ओपन उतना थोड़ा से नीचे जाकर फिर ऊपर जाते हैं, तो इसके लिए हड़बड़ी में ऐसा पोजीशन ना ले, तो इसके लिए वेट कीजिए, अगर दोबारा री एंट्री देगा तो टारगेट अचीव होने का चिंता मत कीजिए, दोबारा फिर से मार्केट ऊपर उठेगा, री एंट्री जरूर देगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप सेने सिल्वर का एक्सचेंज जीयूएसडी का 30 मिनट्स का ओपन किया है, तो इसमें आप देख सकते हो सिग्नल मॉर्निंग में बाई था, यानी कि बहुत दिनों से, यानी कि 3-4 दिनों से इसमें सेल था। तो कल लगभग काफ़ी साइडवे के बाद कल एंड पॉइंट में, यानी कि अप्रोक्सीमेट 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद मार्केट रिवर्स हो गए थे, 19.9410 से ब्रेकआउट हो गए थे, अप्रोक्सीमेट 20.170 तक गए थे, उसके बाद सपोर्ट दिया है, सपोर्ट एक्चुअली 2.0580 में ब्रेक किया था। तो उसके बाद मार्केट अप्रोक्सीमेट कंफर्म आने के बाद सेकंड कैंडल में 19.8840 में लिया है। फिलहाल 2 टारगेट अचीव किया है, पर फिर भी आप चिंता मत कीजिए, जगभग मार्केट सेल में है, तो ये मार्केट सेल में ही है, तो कंटिन्यूएशन आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। 30 मिनट्स का है, नेक्स्ट री एंट्री भी दिया है, आराम से एंट्री करने का मौका है, ठीक है। और 15 का भी आप देख सकते हो, 15 में भी ये देखिए, तो बाई के कंटिन्यूएशन मॉर्निंग में ये दे अप्रोक्सीमेट सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ पे ये तीसरी कैंडल में एक्चुअली 9.9840 में एंट्री ले सकते हो। तो उसके बाद काफ़ी, अभी लगभग अभी 812 चल रही है, तो 812 तक मार्केट गए थे, ठीक है, सॉरी 8864 चल रही है, तो फिलहाल 812 तक मार्केट गए थे, ठीक है। तो काफ़ी नीचे गए थे मार्केट, यहाँ पे एक एक कैंडल फॉर्म होते जाएंगे ना, अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होते जाएंगे, तो सपोर्ट, जब आप सपोर्ट का रेट देकर आपको उसमें से अंदाजे लगा सकते हो, तो साइड वे आने के बाद सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मार्केट काफ़ी नीचे निकलेगा। यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बाई सिग्नल आने के बाद मार्केट काफ़ी, यानी कि आज पूरा मार्केट ऊपर गए थे, लगभग आपको 12:30 बजे के पहले तक मार्केट ऊपर ही थे, उसके बाद ही मार्केट नीचे गए थे। तो आज लेने का रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से दिया था मार्केट ने, तो उसके बाद 20.40 ब्रेक किया था मार्केट, अप्रोक्सीमेट 176 तक जाकर यहाँ पे नीचे जा रही, तो यानी कि एक्चुअली अच्छा खासा पॉइंट मॉर्निंग में बाई में भी मिला है थोड़ा प्रॉफिट, उसके बाद ही मार्केट नीचे गए थे, ठीक है। तो ज़्यादा एक्यूरेसी 30 में ही है, 30 H1 H4 ऐसे टाइम फ्रेम में बेटर एक्यूरेसी, क्योंकि आपको आराम से साइड वे अच्छी तरह यहाँ पे दिखाता है। तो इसमें से अगर मार्केट फिर से नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा ना, दोबारा री एंट्री का मौका फिर से देगा, तो अगर प्रॉपर कन्फर्मेशन करके लीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मार्केट अगर कभी कभी आराम से नीचे जाता है, पर ऐसा कभी कभी मौका भी आता है तो अगर थोड़े से नीचे जाने के बाद रिवर्स भी होगा, तो इसके लिए आराम से कंफर्म करके ही लीजिए, कंफर्मेशन के बाद आप लेंगे तो एक्यूरेसी बनती है, आराम से आपको प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक दिन का लॉस आपको पूरा नुकसान करा सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, तो यानी कि साइड वे देने के बाद एक्सिट करके फिर कन्फर्मेशन करके लेंगे तो एक्यूरेसी बनती है, ठीक है। आज की पूरी मार्केट मैंने आपको दिखाया था, सेम ऐसे ही मार्केट में आपको दिखाऊंगी। आपको डेमो के लिए कॉल करने का नंबर ऑलरेडी मालूम है, 8139903999, ये मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।